आता था, एक दो तीन चार, ओम साई गोविंदा का पुस्तक। साथियों, मुंबई का दही हंडी उत्सव देखिए, अभी हम थाने से आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल अभी हम इस एरिया में आ गए, दूसरे एरिया में। बैराम जी जीजा भाई हाई स्कूल थाने। तैयारी करते हैं, आता थरार वाढणार, सर्वांनी घर वाजवत करा, रोस्टर पाहिजे, उभे आहे हंडीच्या रोस्टरवर, जे उभे तरी खाली उतरा, तू खाली उतर, तू खाली उतर, त्याच्यावर खाली उतरा, त्याच्यावर रोड देऊ नका। के दशक में समाना के पहाड़ों में बने 3 किलों में 36 सिख रेजिमेंट को तैनात किया गया। ये कहानी सारागढ़ी किले में तैनात इसी रेजिमेंट के फौजियों की है। जवानों, बगल कम से कम 10,000 हैं और हम 21। हमें क्या करना है, लोकहार्ट से हुक्म आ चुका, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज फैसला तुम लोग करो। आदम साहब का क्या हुक्म है साहब जी? वो हमारी मदद को नहीं आ सकते क्योंकि पठानों ने सारे रास्ते रोक रखे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें किला छोड़ के भागने का हुक्म दिया। जाते मैंने ये केसरी पगड़ी क्यों बांधी है? ये गौरव ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होती है। आज जवाब देने का वक्त आया है। लाखों सर्दी हमने तब जाके सर पे केसरी बांधने का हक मिला है हमें। आज जब मैं ऐसे सजा के हजारों दुश्मनों के बीच सर उठा के चलूंगा ना, तो मैं अकेले नहीं, मेरे साथ वो लाखों शहीद भी चलेंगे जिन्होंने अपनी जान को दे दी लेकिन आज नहीं दी। आज मैं पैसों के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए, हर उस आदमी के लिए लड़ूंगा जिसे गुलाम समझा जाता है। अपनी काम के लिए लड़ूंगा, आज मैं अपने गुरु के लिए लड़ूंगा। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी।
थी। एक दोन तीन
चार ओम साई गोविंदा पत्थर दिस्त एक दो स्पेशल डांसिंग चार पांच आणि आता पाचवा एका सावेला घेऊन आम्ही दोन तारी पाठवा आणि सुंदर तरी अभिवादन तरी केलं अगदी सावव्या थरावरून हा तनोरा तुमचं स्वागत आहे. जेवलात का? जेवलात का? नाही तर तिकडे मागे जेवून या पटकन. हॅलो. आणि प्रत्येकाला मनमोहित करणाऱ्या अशा या थरारक क्षण आपण इथे प्रत्येक जण आपण इथे पाहतो. अगदी आपण पाहतो इथे आता वेळ आपल्याकडे कमी आणि त्या अनुषंगाने दोन दोन गोविंदा पथक आपल्या समोर थरांची खर तर इथे कला कसं इथे करतात आपण पाहतो. नक्की समर्थ गोविंद पथकाने रेडी रा. एक दोन तीन चार पाच सात सात थर लावले आणि तुरंत कोसळले लगेच. अरे हा बघा सहावा थर कोकणचा राजा मित्रमंडळ त्याचं टेम्पिन.